गाड़ी है यादव सर। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी जनहित याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने जो 405(3) में 29 गांव और 23 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र निगम क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना 4 मार्च 1914 को जारी की थी उसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो 29 गांव शामिल किए गए थे 23 ग्राम पंचायतें वो अब नगर निगम के क्षेत्र में नहीं। राज्य शासन ने राज्य के जो तर्क दिया था कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो ऐसे में अब माननीय न्यायालय चलती हुई चुनाव प्रक्रिया में इंटरफियर नहीं कर सकता। राज्य शासन के इस तर्क को न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ये इसलिए नहीं लगता है कि 17 तारीख को जब थोड़ा मोबाइल याचिका की सुनवाई पूरी हो गई थी और ये निवेदन किया गया था कि केवल हमको रिव्यू के ऊपर कुछ चीज बताना है उसके लिए समय दिया गया था। इस याचिका में न तो चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई और जब हुआ तब तक भी चुनाव प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी, इनके समय लेने के बाद में इन्होंने चालू की, इसलिए 240(g) का बार इस याचिका में नहीं आता है। राज्य शासन ने को ये निर्देश दिया है कि वो विधि सम्मत तरीके से 405(3) की अधिसूचना फिर से जारी करने की कार्रवाई करें और ये जो 29 गांव है इस अधिसूचना से नगर निगम की सीमा से एक्सक्लूड हो गए। तो ये माना जाएगा 28 नंबर को चुनाव नहीं होंगे। सुनिए, एक्सक्लूड हो गए तो इनको एक्सक्लूड करके जनवरी 2015 के पहले चुनाव करवाने में कोई बाधा नहीं है। पर अभी ये तो माना जाएगा 28 नंबर को चुनाव नहीं होगा। ये निर्णय राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन को लेना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और राज्य शासन नहीं, लेकिन इस फैसले का क्या फर्क? इस फैसले का हाथ नहीं है, सीधा सीधा पुराने परिसीमन में चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल्कुल कराए जा सकते हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए। और राज्य माननीय उच्च न्यायालय ने जो पहली अधिसूचना है इंटेंशन की उस पर कोई कमेंट नहीं किया है, उसको अभी भी पिछले फैसले की तरह ओपन रखा है और राज्य शासन ने मुझे फिर से लिबर्टी दी है यदि ये विधिवत प्रक्रिया न करे और तो आप फिर से इस बिंदु के ऊपर नई याचिका लेके कोर्ट में। सर, नगर निगम चुनाव थोड़ा स्पष्ट कर दें आप। इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में अब 69 गांव वाली जो हमारी नगर निगम की सीमा है उसमें इलेक्शन हो सकते हैं 28 नंबर को। अब ये मैं नहीं कहता, 28 नए सिरे से, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। 69 में कर सकते हैं। 69 वार्ड की जो सीमा है विधिवत आज की तारीख में उसमें चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है। वो किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, ये राज्य सरकार और चुनाव आयोग को। वार्ड में नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। 85 वार्ड में नहीं हो, 28 तो नहीं होगा, 85 में। 85 में नहीं। और इसके अलावा कोर्ट ने क्या आर्डर में क्या कहा? बस यही कहा है सर, 12-15 पेज का। ये नया जो परिसीमन किया जाएगा नोटिफिकेशन का गवर्नर के थ्रू किया जाना है। ये देखिए, कोर्ट ने इसमें कमेंट किया है, इस पे नहीं कहा, जो उन्होंने कहा विधिवत नया नोटिफिकेशन संबंधित। विधिवत का मतलब, विधिवत का मतलब यही कि जो 3 फैसले छिंदवाड़ा के, जबलपुर के, सहारनपुर के और मेरी पिछली मीटिंग में इंदौर। सर, इसमें ये भी स्पष्ट कर दे, 2 याचिका थी उसमें क्या हुआ? कि भाई किशोर कोटवानी की, तो इन दोनों याचिकाओं को अलग अलग तरह की याचिका माना गया है और वो याचिका अभी पेंडिंग है, उस पर अगली तारीख पे सुनवाई होगी। इंदौर की जनता की बहुत बड़ी जीत है, हमारी डेमोक्रेसी की जीत है और रूल ऑफ लॉ की जीत है। ये होगा कि इंदौर कॉरपोरेशन जो जिसकी सीमा में पुरानी 60 वार्ड है आज इस फैसले के बाद उनके उनमें चुनाव करवाने में कोई बाधा नहीं है और राज्य शासन
यदि उसमें चुनाव नहीं करवाना चाहती है और इन 29 गांवों को तो 2 महीने के भीतर उनको सबको शामिल करने की अधिसूचना जारी करके विधि सम्मत कार्रवाई करना होगी, उसके बाद कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई अवैधानिकता है सर, तो मुझे फिर से स्वतंत्रता दी गई है न्यायालय द्वारा। सर इसमें एक और क्लियर करना है, देश में महापौर के चुनाव करना पड़ेगा क्या? दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं, अलग से महापौर का चुनाव हो सकता है क्या? रिजर्वेशन महापौर का फिर से कराना पड़ेगा? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पूरे लीगल क्या बोलता है? हाँ लीगली पूरे प्रदेश का तय होता है, एक जगह का तय नहीं होता। महापौर और पार्षद के चुनाव अलग अलग नहीं होते, सम्मिलित होते हैं हमारे। ये कहा जा सकता है कि उसका आरक्षण हो सकता है फिर से होगा? मैं नहीं कह सकता बिना जानकारी। 2 याचिकाएं, एक अनिल त्रिवेदी और एक मेरी। अनिल त्रिवेदी वाली याचिका में निर्णय देते हुए ये निर्णय दिया न्यायालय ने कि जो शासन ने गजट नोटिफिकेशन किया था और प्रक्रिया जो अपनाई है वो शून्य कर दी है। दूसरी मेरी वाली याचिका को अभी भी जिंदा रखते हुए अलग कर दिया और 4 सप्ताह बाद उस पर सुनवाई निर्धारित की। आपकी पिटीशन में क्या है मुद्दा? 2 याचिकाएं थी अलग अलग। एक में बिंदु ये था कि 29 गांव जो सम्मिलित किए वो निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके समय काल से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरी याचिका थी कि 90 गांव का जब मास्टर प्लान बना था तो 29 गांव क्यों लिए गए। और एक हम दोनों की याचिका में बिंदु कॉमन था, वो था कि प्रक्रिया दोषपूर्ण है। प्रक्रिया दोषपूर्ण है, उस पर उनने निर्णय दे दिया। गोडवानी जी, क्या स्थिति बनती है अब इसके बाद? नहीं, अब चुनाव नहीं, 69 वार्डो में चुनाव कराए जा सकते हैं इस स्थिति? अब पूरी प्रक्रिया फिर से होगी। अब ये शासन का मंशा है कि वो क्या करता है,